मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ही इसी से मिलता जुलता आपको अब क्या करना है, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। देखो सिंपल क्या कर रहे हो, वही वाला कंटेंट, वही वाला फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे। सोलिस नंबर का प्रोग्राम दिखाने से पहले हम क्या सोलिस नंबर का प्रोग्राम दिखाने से पहले मैं आपको हल्का सा लॉजिक बता देती हूँ उसका, और फिर आप उसको देख लेना और हम उसको रन करवा लेंगे। ओके ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के प्रोग्राम में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, जस्ट इट्स जस्ट लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम, बिल्कुल एक डिफरेंस है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मैंने आपको कहा था स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए कंपेयर स्टेटमेंट यूज किया जाएगा, ठीक है। कंपेयर स्टेटमेंट हमेशा कब यूज किया जाता है, मेमोरी और अक्यूमुलेटर के बीच में, राइट। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, मेमोरी और अक्यूमुलेटर के बीच में। आप एक पर्टिकुलर नंबर मेमोरी को दोगे, एक पर्टिकुलर नंबर अक्यूमुलेटर को दोगे, और इन दोनों की कंपैरिजन करके हम उसको उस नंबर को कहीं थर्ड पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर लेंगे, और फिर वापस से उसका कंपैरिजन करेंगे थर्ड मेमोरी लोकेशन से। जितने भी नंबर्स हैं उतने कंपैरिजन चलते चले जाएंगे, और जो भी नंबर लार्जेस्ट है उसको आप एक अक्यूमुलेटर में स्टोर करते जाओगे, या स्मॉलेस्ट है उसको अक्यूमुलेटर में स्टोर करते चले जाओगे। अब इन दोनों को कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो मेमोरी और अक्यूमुलेटर में, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी, अगर मेमोरी की जिस जो भी नंबर मेमोरी में है और जो भी नंबर अक्यूमुलेटर में है, अगर मेमोरी की वैल्यू ज्यादा होगी, मेमोरी में जो पोजीशन पे जो नंबर है, तब आपके कैरी फ्लैग्स और जीरो फ्लैग्स काम रोल प्ले करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगर मेमोरी का कंटेंट ज्यादा है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और अगर अक्यूमुलेटर का कंटेंट ज्यादा है, अक्यूमुलेटर की वैल्यू ज्यादा है, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और अगर दोनों का कंटेंट सेम है तो आपके जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। आपकी क्या हो जाएगी, जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपको बस सिंपल स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के लिए ये चीज याद रखनी है, ठीक है। कैसे याद रखनी है इसको, देखो प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करोगे। इफ यू ऑल रिमेम्बर, हमने इसको प्रोग्राम में जंप नॉट टू कैरी स्टेटमेंट से किया था, राइट। हमने प्रोग्राम में कैसे किया था, जंप JNC स्टेटमेंट में, कि कैरी अगर नहीं है तो जंप होगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल दो तरीके हैं, देखो JNC कमांड से भी यूज कर सकते हैं और JC कमांड्स को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। हम क्या करें, सिर्फ JNC को JC कर ले। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका समझाऊंगी आपको स्मॉलेस्ट नंबर का, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन ही नहीं होगी, और जस्ट लार्जेस्ट की तरह ही स्मॉलेस्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे यूज करेंगे मैं आपको, हम डिस्कस करते हैं। पहले प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर आई हैव टोल्ड यू, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे कितना क्या वैल्यू आएगी, जितने भी नंबर्स आप पास करने वाले हो एज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। फॉर टाइम बिंग हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, और हम 5 नंबर्स के बीच में 5 नंबर्स हम आपको प्रोवाइड करवाने हैं, और 5 नंबर्स का एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको एज एन आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर करेंगे हम, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे फर्स्ट नंबर में हम स्टोर करेंगे कितने नंबर ऑफ टोटल आने वाले हैं, टोटल नंबर्स कितने पास करने वाले हैं। तो C050 पे हमने पास कर दिया 05, दैट मींस आपके पास 5 नंबर आप टोटल एज एन इनपुट देने वाले हैं, ठीक है। तो 5 नंबर आप इनपुट देने वाले हैं, तो 51, 52, 53, 54, 55, 1 2 3 4 5, इतने पे तो हम एज एन इनपुट दे देंगे अपनी वैन नंबर्स का, ठीक है। और हमको करना है C056 पे हमारा आउटपुट स्टोर, ओके। तो ये बेसिक प्रोग्राम है। सबसे पहले क्या करना है, वही डायरेक्ट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से LXI कमांड से हमने क्या किया, C050H, ठीक है। इस डायरेक्ट से हमने क्या किया, इस मेमोरी लोकेशन को एक रजिस्टर, यहाँ पे 16-bit नंबर्स ले रहे हैं, बेसिक से 8-bit नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम HL रजिस्टर पेयर में इसको स्टोर करते हैं, तो C050 से LXI कमांड रजिस्टर पेयर HL में आपके पर्टिकुलर मेमोरी कंटेंट को स्टोर करवा देगा, ओके। अब ये जो पर्टिकुलर कंटेंट है, ये नंबर ऑफ टोटल नंबर 5 है, राइट। फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हम क्या कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आप प्रोवाइड करने वाले हो। तो हम मैंने क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर कंटेंट को एक रजिस्टर में मूव करा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे इसी इसी वैल्यू को एज एन काउंटर यूज करना है, राइट। इसी वैल्यू को क्या यूज करना है, एज एन काउंटर, के कितने नंबर ऑफ लूप्स चलेंगे, कितनी बार कंपैरिजन क्रिएट होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो हमने सिंपल किया, इसको
एक रजिस्टर में मूव करा दिया। मूव कराने के लिए यू हैव मूव कमांड, MOV कमांड, ठीक है। MOV किस में मूव कराना है आपको, सिंपल रजिस्टर ले लो फॉर टाइम बीइंग बी, ठीक है। तो ये मेमोरी कंटेंट की वैल्यू सारी किस में मूव हो जाएगी, रजिस्टर बी में मूव हो जाएगी। अब बी रजिस्टर के पास कौन सी वैल्यू है, 5, राइट, क्योंकि जो आपने C050 पे दी ना, 5 टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस के वैल्यूज कितनी है, 5, तो बी के पास हो गई वैल्यू 5। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ना जितने नंबर ऑफ जितने अभी अब स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, सेम ही है, बस हल्का सा एक डिफरेंस है वो मैं बता दूंगी। जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जितनी वैल्यूज होंगी उससे एक कम कंपैरिजन होगा, ठीक है। तो हमने बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में ही क्या किया, बी रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया बाय 1, ठीक है। तो DCR B, दैट मीन्स हमने स्टार्टिंग में ही एक बी रजिस्टर की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। बी रजिस्टर की वैल्यू अब हो गई 4, यानी कि अब आपको कितने कंपैरिजन करने हैं, 4 कंपैरिजन करने हैं, ये एज अ काउंटर बिहेव करेगा, अंडरस्टूड। इसको DCR करने के बाद यू नो द ड्रिल। अब क्या करना है आपको, इन 5 नंबर्स को एज एन इनपुट में लेना है। इनपुट में लेने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हो LXI C051, LXI C052, या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हम इसको मेमोरी कंटेंट को इंक्रीज करते जाते हैं 1 by 1, और उसमें हम स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। INX H, यानी कि एक पर्टिकुलर, अब INX H मतलब ये अब हो गया C051, ठीक है। अब इस कंटेंट में हमने एक मेमोरी लोकेशन पे फर्स्ट नंबर को यूज ले लिया। अक्यूमुलेटर में अब आपको दूसरा नंबर लेना है, ठीक है। अक्यूमुलेट ये पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हो गया। फाइनली आपको क्या करना है, INX H करके अब इसको अक्यूमुलेटर में मूव कर दीजिए, राइट, क्योंकि एक तो अक्यूमुलेटर में होनी चाहिए वैल्यू और एक कोई भी मेमोरी लोकेशन पे, है ना। यहाँ पे कंपैरिजन प्रोवाइड करना है, एक मेमोरी लोकेशन पे और एक अक्यूमुलेटर में। तो हमने जो फर्स्ट नंबर था उसको किस में मूव कर दिया, अक्यूमुलेटर में मूव कर दिया। मेमोरी का कंटेंट हमने अक्यूमुलेटर में मूव कर दिया। इसको मूव करने के बाद यू नीड टू हैव सेकेंड नंबर, ठीक है। तो सेकेंड नंबर के लिए अगेन INX H कर देते हैं, यानी कि अब जो सेकेंड नंबर आने वाला है वो किस पे आने वाला है, C052 पे आने वाला है, ठीक है। अब एक नंबर आ गया C052 मेमोरी लोकेशन पर, और एक हमने फर्स्ट नंबर जो था अक्यूमुलेटर में ऑलरेडी मूव कर ही चुके हैं। फाइनली यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू डू अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, राइट। इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे CMP M, राइट। हमने क्या किया, कंपैरिजन किया, CMP कमांड है हम दो हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए, CMP M। यहाँ पे जो काउंटर है, यहाँ पे जो आपका जब बस दोनों में जो डिफरेंस है वो एक ही स्टेटमेंट में है। जैसे ही आपने CMP किया, कंपैरिजन किया मेमोरी कंटेंट और अक्यूमुलेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ यू ऑल रिमेम्बर, मेमोरी कंटेंट की वैल्यू अगर बड़ी थी तो आपके पास कैरी फ्लैग जनरेट हो रहा था, और मेमोरी कंटेंट की वैल्यू अगर छोटी है तो कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या किया, हमने मेमोरी कंटेंट की वैल्यू लार्जेस्ट नंबर में कंपेयर कर ली थी कि अगर मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है तो हमने JNC कमांड चलाई यहाँ पे, JNC, और रिपीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम रिपीट नहीं, सॉरी, ये तो फर्स्ट नंबर को एज एन इनपुट लिया था, रिपीट हमने यहाँ पे दिया था सेकेंड नंबर के इनपुट पे, ठीक है। ये बेसिकली ना लेबल है रिपीट, आप यहाँ पे कोई से भी लेबल्स यूज कर सकते हो। जैसे C++ में तो ना रिपीट के लिए यू हैव सेट ऑफ कमांड्स, जो फॉर लूप है, वाइल लूप है, तो फॉर और वाइल कीवर्ड्स हैं आपके, ये लेबल्स हैं रिपीट, ठीक है। अब ये लेबल्स में आप ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे रिपीट ही यूज करेंगे, आप यहाँ पे कुछ भी लेबल यूज कर सकते हो, अहेड यूज कर सकते हो, नेक्स्ट यूज कर सकते हो, बस आपको स्टेटमेंट जो यहाँ पे पास करनी है वही आपके लेबल सेम होने चाहिए। मैं बताती हूँ कैसे, देखिए, हाँ, CMP करा मेमोरी कंटेंट को, तो अगर आपने मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है, लार्जर है, तो हमने JNC कमांड यूज कर ली, और अगर मेमोरी कंटेंट की वैल्यू छोटी है तो हमारा कैरी फ्लैग जनरेट नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे क्या करा, लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए JC कमांड यूज कर ली, जंप टू कैरी, ठीक है। दैट मींस आपके पास कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, आपको अक्यूमुलेटर उस पर मेमोरी की वैल्यू अक्यूमुलेटर में मूव करा देनी है, लार्जेस्ट वैल्यू हमने अक्यूमुलेटर में मूव करा ली। अगर आपके पास मेमोरी की वैल्यू छोटी है, अक्यूमुलेटर की बड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, जंप टू कैरी कर सकते हैं, जंप टू कैरी कर ली कर सकते हैं। जंप टू कैरी करने के बाद अगेन यहाँ पे आपको क्या डालना है, नेक्स्ट, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी
तो आप किसी स्टेटमेंट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम हो गए रीडायरेक्ट, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे यू नो द ड्रिल, लार्जेस्ट नंबर में हमने किया था डीसीआर। अच्छा ये कंटेंट वापस से मैं लिख लेती हूँ एक बार, क्योंकि ये पेज फुल हो गया है। तो आई एम क्लियरिंग दिस आउट और फिर मैं आपको बस रिपीट स्टेटमेंट से फॉलो करती हूँ, ठीक है। यस, रिपीट स्टेटमेंट हमने डाली INXH, ठीक है। INXH डालते ही आपने कंपैरिजन कर दिया, कब CMP M। कंपैरिजन करने के बाद आपको पता है कि कंटेंट ऑफ मेमोरी रजिस्टर और अक्यूमुलेटर की वैल्यू कंपेयर की जाएगी। अगर अक्यूमुलेटर की वैल्यू बड़ी है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू आपकी होती है 0, और अगर अक्यूमुलेटर की वैल्यू छोटी है, मेमोरी की बड़ी है, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू होती है 1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सीएमपी करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद हमने स्मॉलेस्ट नंबर में जंप टू कैरी किया, जेएनसी नहीं किया, ठीक है। जंप टू कैरी नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी इस नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, और अगर फॉल्स होती है तो जहां पे भी आपने नेक्स्ट लेबल दिया गया है वो वाली स्टेटमेंट पे ये रीडायरेक्ट कर देगा। बेसिकली जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं हम C++ प्रोग्रामिंग में, वही वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारा दैट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है, राइट। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मींस मेमोरी कंटेंट की वैल्यू लार्जर है, तो हमने क्या किया, लार्ज मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है तो हमने सिंपल यहाँ पे वही कमांड जो एज इट इज जो आपने लार्जेस्ट वाले प्रोग्राम में यूज करी थी, अक्यूमुलेटर में एम की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्यों अक्यूमुलेटर में क्यों पुट किया, क्योंकि ये जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उसकी वैल्यू आपको अक्यूमुलेटर में पुट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रीडायरेक्ट होते ही ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा डीसीआर ऑफ बी सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि जो काउंटर वैल्यू है 4, यानी कि 4 टोटल, 5 टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, 5 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स पास करने वाले हो आप, और बी नंबर ऑफ कंपैरिजन चलने वाले हैं, ठीक है। तो बी नंबर ऑफ कंपैरिजन कब तक चलेंगे, 4, 3, 2, 1, 0, 0 तक कंपैरिजन चलेंगे। तो आपको वो कंपैरिजन को डिक्रीज करते चले जाना है, ठीक है, तभी तो वो लूप चलती रहेगी ना। जैसे ही आप डीसीआर बी करते जाओगे और वहां पे आपको जंप नॉट 0 मिल जाएगा, तब तक आपको क्या करना है, रिपीट करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, डीसीआर बी करते चले जाएंगे, 0 कंपेयर करो, जैसे ही 0 मिलेगा ये बाहर आ जाएगा, और जब तक आपको यहाँ पे बी में 0 नहीं मिल रहा तब तक ये रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट मतलब क्या हुआ, ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है। और फाइनली जब आपको जैसे 0, अब यहाँ पे स्टेटमेंट रन हुई, यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट किया, C052 हुआ, कंपेरिजन किया उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन और अक्यूमुलेटर का, अक्यूमुलेटर में कौन सा वैल्यू स्टोर है जो अभी तक से सबसे स्मॉलेस्ट है, राइट दो नंबर्स को हमने कंपेयर किया था, स्मॉलेस्ट नंबर को अक्यूमुलेटर में ले लिया, ठीक है। इसको और अक्यूमुलेटर को कंपेयर करेगी ये स्टेटमेंट, अक्यूमुलेटर को कंपेयर करने के बाद अगर कैरी जनरेट हो रही है तो जो भी वैल्यू छोटी है दैट मीन्स कैरी जनरेट हो रही है तो अक्यूमुलेटर की वैल्यू छोटी है, ठीक है। तो वही अगेन मेमोरी कंटेंट की वैल्यू आप अक्यूमुलेटर में पेस्ट कर दोगे, मेमोरी कंटेंट की वैल्यू अक्यूमुलेटर में पेस्ट करने के बाद अगेन डीसीआर भी हो जाएगा। तो अब जो 4 नंबर ऑफ कंपैरिजन चलने वाले थे उसको एक डिक्रीमेंट करके 3 कर देंगे, 3 0 नहीं है दैट मीन्स अगेन लूप पे जाएगा, वापस से आप नंबर इंक्रीज करेंगे, थर्ड नंबर एज एन इनपुट लेंगे, थर्ड नंबर और अक्यूमुलेटर में जो स्मॉलेस्ट नंबर पड़ी हुई है उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे कैरी कैरी है या कैरी नहीं है, सिंपल ऐसे कर करके आप इसका 3, 2, 1 और 0, जैसे ही 0 हो जाएगा जेएनसी कमांड आपकी ट्रू हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आते ही आपको क्या करना है, वही चीज, आपका जो भी मेमोरी कंटेंट है अक्यूमुलेटर की, जो भी वैल्यू है अक्यूमुलेटर में वैल्यू स्टोर कर दी गई सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, INX करके एक और फाइनल आउटपुट आपको किस पे स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल C055 पे, ठीक है, C05 पे एक और कंटेंट को आप इंक्रीमेंट करो, एक और मेमोरी कंटेंट को, मेमोरी पोजीशन को इंक्रीमेंट किया, INX H, और इस मेमोरी लोकेशन पे हमने अक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर कर दी। क्यों करी अक्यूमुलेटर की, क्योंकि अक्यूमुलेटर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने स्टोर करी हुई थी, राइट। इस लूप में आप देख रहे हो अक्यूमुलेटर में ही आपका फाइनल आउटपुट हम मूव कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे ही आपके अगर जेएनसी जेसी कमांड, दैट मींस आपके मेमोरी कंटेंट की वैल्यू ग्रेटर है और आपने उसको अक्यूमुलेटर में मूव कर दिया, ठीक है, जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो आपकी मूव होती चली जाएगी और कंपेयर होता चला जाएगा. तो फाइनली मूव करना है आपको इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, दैट इज C055. आपने एक्यूमुलेटर की वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे मूव कर दी, आपको आउटपुट मिल जाएगा और आपका प्रोग्राम हो गया हॉल्ट. ओके ठीक है, तो दिस वाज योर प्रोग्राम ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. देखिए सिंपल प्रोग्राम है ये आपका प्रोग्राम ना, ठीक है, सिंपल. आपने वही पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपने इसको LXI सबसे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे किया, इस पे हमने फॉर टाइम बीइंग 3 नंबर ले लिया, उसको B में मूव करा दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ कंपैरिजन होने वाले हैं 2. ठीक है, फाइनली जब 2 नंबर कंपैरिजन होने वाला है तो हमने फर्स्ट नंबर का इनपुट लिया ऑन C051, इंक्रीज करके उसको आपने किस में मूव कर दिया, अक्यूमुलेटर में. क्यों, क्योंकि अक्यूमुलेटर में मूव कर दिया, फर्स्ट नंबर हो गया आपका अक्यूमुलेटर में. अक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद सेकंड नंबर लेना है आपको, इंक्रीमेंट एक्स किया, दैट इज C052. इंक्रीमेंट एक्स करने के बाद एक तो कंटेंट हो गया मेमोरी में और एक कंटेंट हो गया अक्यूमुलेटर में, इन दोनों को कंपेयर करो. कंपेयर करने के लिए CMP कमांड है आपके पास. स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का मतलब अब आप क्या कर रहे हो, जंप टू कैरी यूज कर रहे हैं. जंप कैरी यूज मतलब आपका मेमोरी जो भी पर्टिकुलर मेमोरी का कंटेंट है वो लार्जर है. ठीक है, हम एग्जाम्पल वो कर लेते हैं कि अगर आपका मेमोरी का कंटेंट लार्जर है, बड़ा है, तो आप क्या करेंगे उस मेमोरी के, सॉरी स्मॉलेस्ट नंबर का है, गलत बोल दिया, दैट मीन्स मेमोरी का कंटेंट आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है, अक्यूमुलेटर का बड़ा है, तो अक्यूमुलेटर का कंटेंट बड़ा है, मेमोरी का छोटा है, तो आप सिंपल उसको मूव कर देंगे, JC कमांड, मूव कर दिया हमने उसकी वैल्यू को अक्यूमुलेटर में. ओके, अक्यूमुलेटर में मूव करने के बाद नेक्स्ट, अगर अक्यूमुलेटर का कंटेंट छोटा है तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे डायरेक्ट इस पे, और मेमोरी का कंटेंट स्मॉलेस्ट है तो उसको अक्यूमुलेटर में लोड कर दोगे. Am I not audible? Students, please let me know. आज कम आए या ज्यादा आए, ज्यादा तो आएगी नहीं, कम ही आएगी, तो कम आए तो बता देना, ठीक है. यस, तो आई बिलीव ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आया होगा. सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि आपको मेमोरी कंटेंट और अक्यूमुलेटर ये दो वैल्यूज हैं. अगर मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है, मेमोरी कंटेंट की वैल्यू स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम है, मेमोरी कंटेंट की वैल्यू स्मॉलेस्ट है तो हम उसको अक्यूमुलेटर में मूव कर देते हैं, और अगर नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पे रीडायरेक्ट हो जाओ. ठीक है, आपने JC कमांड चेक करी, कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है या 0 है. अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आपकी किसकी वैल्यू बड़ी है, मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है. मेमोरी कंटेंट की वैल्यू बड़ी है तो उसको अक्यूमुलेटर में मूव कर दिया, और अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जंप टू कैरी नेक्स्ट, नेक्स्ट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और डिक्रीज कर देंगे बी कंपेरिजन की वैल्यू को 4 से 3 पे. ठीक है, और जब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं मिल जाता बी रजिस्टर में. फाइन, 0 नहीं मिला, वापस आ जाओ यहाँ पे, इंक्रीज करा, CMP करो उस मेमोरी लोकेशन को और अक्यूमुलेटर की वैल्यू को. अक्यूमुलेटर में कौन सा नंबर अभी लोड कराया मैंने, जो अभी तक सबसे स्मॉलेस्ट चल रहा था. ठीक है, अक्यूमुलेटर और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन C053 मेमोरी लोकेशन को कंपेयर किया. अगेन कंपेयर करने के बाद JC कमांड चेक करो, क्या आपके मेमोरी रजिस्टर की वैल्यू बड़ी है, मेमोरी या अक्यूमुलेटर की किसकी वैल्यू बड़ी है, स्मॉलेस्ट है, सॉरी. ठीक है, मेमोरी की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, अगेन जब मेमोरी की वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी तो हम वापस से उसको अक्यूमुलेटर में लोड कर देंगे, और अगर मेमोरी कंटेंट की वैल्यू स्मॉलर होगी तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट पे, कैसे, इन कैरी फ्लैग्स की हेल्प से. ठीक है, तो ये है आपका टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. हल्का सा डिफरेंस है आपको यहाँ पे समझ आया होगा जो डिफरेंस है. देखो बेसिकली आप प्रोग्रामिंग देखोगे ना, नेट पे देखोगे या बुक्स में देखोगे, तो आपको बहुत सारे प्रोग्रामिंग क्लिचेस मिलेंगे, डिफरेंसेस मिलेंगे. मैंने यहाँ पे बिल्कुल इजी बताया है आपको जो डिफरेंस है आपको यहाँ पे. स्मॉलेस्ट में तो आपको JC लिखना है, जंप टू कैरी, और लार्जेस्ट में यहाँ पे आपको JNC लिखना है, जंप नॉट टू कैरी. ठीक है,
दो बेसिक सा डिफरेंस है, क्योंकि देखो दोनों में जेएनसी से आप जंप नॉट टू कैरी से भी दोनों प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, और जंप टू कैरी इस कंडीशन को यूज करके भी दोनों प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मैटर करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने कितने यूज करे हैं, तो वो सूटेबिलिटी, कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट सूटेबल है, ठीक है। तो लार्जेस्ट में तो आपका जेएनसी कमांड मोस्ट सूटेबल था, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ टू इंस्ट्रक्शन सेट्स में अपना काम कर लिया, और स्मॉलेस्ट में हमारा जेसी कमांड्स यूजफुल था इसमें, क्योंकि वापस से अगेन टू इंस्ट्रक्शन सेट में हमने अपना काम रन करा लिया। यहाँ पे आप जेएनसी भी यूज कर सकते थे स्मॉलेस्ट में भी, लेकिन फिर आपको मूव कमांड को यूज करके यहाँ पे डिक्रीमेंट में वापस अगेन यहाँ पे जेएनसी जंप टू कैरी स्टेटमेंट यूज करना पड़ता, ठीक है। तो इट्स बेटर कीप इट सिंपल, हमेशा जब स्मॉलेस्ट कमांड यूज करेंगे तो जेसी यूज कर लेना, और लार्जेस्ट कमांड यूज करेंगे तो जेएनसी यूज कर लेना। अगेन फाइन, इसके बाद आपको डिक्रीमेंट करना है जीरो से, फाइनली आपको जो फाइनल आउटपुट है वो आपको स्टोर करना है C055 पे, से 55 पे स्टोर करना है, ठीक है, जो भी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है आफ्टर नंबर्स, ठीक है। तो हमने इंक्रीमेंट करा उस मेमोरी लोकेशन पे C055 पे। अब जो फाइनल, जो भी अक्यूमुलेटर में, यहाँ पे देखो अक्यूमुलेटर में ही सारा कंटेंट आप स्टोर कर रहे हो, जो भी आउटपुट है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे दो नंबर्स हैं 66, 33 एंड 11, दोनों में कंपेरिजन किया जाएगा, एक अक्यूमुलेटर में है एक मेमोरी पे है, दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो अक्यूमुलेटर में कॉपी किया जाएगा, अगेन इन दोनों में कंपैरिजन किया जाएगा 33 एंड 11, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो अक्यूमुलेटर में कॉपी किया जाएगा। ये रिवो कमांड, मूव अक्यूमुलेटर टू एम, जो भी पर्टिकुलर कंडीशन है वो अक्यूमुलेटर में ही मूव कर रहे हो, तो जो फाइनल स्मॉलेस्ट नंबर है वो अक्यूमुलेटर में ही है स्टोर्ड आपका। तो हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर मेमोरी मेमोरी लोकेशन पे अक्यूमुलेटर का कंटेंट मूव कर दिया, ठीक है। अक्यूमुलेटर का कंटेंट हमने इस मेमोरी लोकेशन पे मूव कर दिया, और फाइनली हमने दे दिया इसको हॉल्ट, दैट मींस आवर प्रोग्राम इज फिनिश्ड, ओके। यहाँ पे आप एसटीए कमांड भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मूव ही कर रहे हो, डायरेक्ट आप एसटीए कमांड यूज कर सकते हो, एसटीए एंड दैट पर्टिकुलर लोकेशन स्टोर फ्रॉम अक्यूमुलेटर, एसटीए कमांड की यूज की जाती है स्टोर फ्रॉम अक्यूमुलेटर, दैट मींस अक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट है वो ये मेमोरी लोकेशन पे आ जाए, ठीक है। इस मेमोरी लोकेशन पे आप इसको रीडायरेक्ट कर दें, अक्यूमुलेटर का कंटेंट आप मेमोरी लोकेशन पे रीडायरेक्ट कर दें, उसके लिए कमांड यूज की जाती है एसटीए। तो अगर आईएनएक्स नहीं करना चाहते तो एसटीए कमांड भी यूज कर सकते हो। डन, इसका जल्दी से हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, इसको रन करवा लेते हैं हम इस प्रोग्राम को। यस, किसी ने माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर किया है क्या? जल्दी से मुझे बता दो, किसी ने डाउनलोड करने की ट्राई करा और उस किसी कोई भी प्रोग्राम रन करवाया उसमें? एनीवन रेज हैंड जिसने भी ट्राई किया है माइक्रो प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने। जावा होनी चाहिए, रन हुआ ये नहीं हुआ, क्योंकि तो देखो दिस इज योर लास्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो लास्ट प्रोग्राम है इसमें, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड ही है। यस शुभम, करा हो गया, ओके। तो सिंपल आपको क्या करना है, उस पूरे कोड को यहाँ पे देखो, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे मैंने पूरा कोड एज इट इज लार्जेस्ट नंबर का है जो लिखा हुआ है, जूम इन कर लेना, असेंबल किया। असेंबल करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल, देख रहे हो कि यहाँ पे अगर सब स्टेटमेंट में राइट लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अगर आपके कोई भी स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्रॉस लग जाता तो दैट मींस आपके उस पर्टिकुलर कमांड में, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, इंस्ट्रक्शन में एरर है, उसको आपको सही करना होता, ठीक है। एलएक्सआई कर लिया, मूव डिक्रीमेंट करके मूव कर दिया हमने उसको मेमोरी कंटेंट पे, रिपीट लूप चला दी, यहाँ से हम अपने सेकेंड नंबर को ले रहे हैं, सेकेंड नंबर को लेने के बाद सीएमपी जेएनसी कमांड, हमने जेसी कमांड यूज करी, जेएनसी दैट मींस जेएनसी कमांड यूज कर रहे हैं, याद रखना दिस स्टैंड्स फॉर हम लार्जेस्ट नंबर को टैली कर रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर को टैली करने के बाद कैरी जनरेट हुआ, कैरी जनरेट हुआ दैट मींस लार्जर नंबर जो है वो मेमोरी कंटेंट में है, ठीक है, मेमोरी कंटेंट में है, उसको आपने अक्यूमुलेटर में मूव करा दिया। अक्यूमुलेटर में मूव कराने के बाद नेक्स्ट डिक्रीज कर लिया बी रजिस्टर की वैल्यू को, कब तक, जब तक जीरो नहीं मिल जाता, और रिपीट मोड पे डाल दिया। फिर से दूसरा नंबर लो, उसको कंपेयर करो और लार्जेस्ट नंबर को अक्यूमुलेटर में लो, मूव करते जाओ। मूव मूव करते ही आपको यस
मूव करते ही आपको अपने फाइनल नंबर जो है वो किस में मूव कराना, अक्यूमुलेटर का, अक्यूमुलेटर में फाइनल आउटपुट है जो आपको किसी मेमोरी लोकेशन पे मूव कराना है, विच इज नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, असेंबल किया, अब हम आउटपुट देते हैं अपना। ठीक है, आउटपुट सॉरी इनपुट देते हैं हम अपना। इनपुट कैसे देंगे, सबसे पहले मेमोरी लोकेशन है आपकी C050, फाइन। तो C050 मेमोरी लोकेशन पे अपन अपना फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा होता है, हमेशा ये याद रखना, फर्स्ट नंबर आप पास करोगे वो वाली वैल्यू जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आप पास करने वाले हो कंपेरिजन के लिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका होगा हमेशा कौन सा नंबर होगा आपका, फॉर एग्जाम्पल हम 3 नंबर्स पास करने चाहते हैं। ठीक है, तो हम 3 नंबर्स पास करना चाहते हैं, 0 3 मैंने C050 वैल्यू, C050 मेमोरी लोकेशन पे पास कर दिया। ठीक है, अब मेमोरी वाले पार्ट को जूम इन कर लेना और देखना आउटपुट कैसे क्रिएट होता है। जूम इन हो जाएगा ना, हाँ हो गया। यस, मेमोरी वाले कंटेंट को जूम इन करना, फॉर टाइमिंग हमने 3 नंबर्स का इनपुट देना है। ठीक है, 3 नंबर्स का इनपुट देना है, INX हो जाएगा। फर्स्ट नंबर आप लोड करना चाहते हो, फर्स्ट नंबर अपन दे देते हैं 05। ठीक है, फर्स्ट नंबर 05 दे दिया, सेकंड नंबर हम दे देते हैं 08, कुछ भी नंबर पास कर सकते हो। और थर्ड नंबर हम देते हैं, 3 नंबर्स पास करने ना हमको, और थर्ड नंबर हम दे देते हैं 06। ओके, तो ये तो देखो 3 नंबर्स पास करने थे और 3 नंबर्स आप ऑल उसकी सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करते करते आप पास कर चुके हो। ठीक है, पास कर लिया, फिर फाइनली आपको क्या करना है, रन ऑल एट अ टाइम, स्टेप बाय स्टेप भी इंस्ट्रक्शंस को रन कर सकते हैं। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रन ऑल एट अ टाइम। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पे आपको आपका आउटपुट दिख रहा है 08, दैट इज लार्जेस्ट बिटवीन ऑल। ठीक है, 3 नंबर्स पास करने थे, 5 8 6, 3 नंबर्स हमने पास करे और आपका फाइनल आउटपुट जो है वो आपको शो होना था। ये प्रोग्राम किसका था, तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो 3 नंबर्स तो हमने पास कर दिए, ये 3 नंबर्स हमने पास करे, 5 8 and 6, यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट विजिबल हो गया, विच इज नंबर 8। ठीक है, यस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, ऐसा ही है आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के प्रोग्राम में आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, जेएनसी कमांड की बजाय यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, जेसी कमांड्स को यूज कर लो। ठीक है, जंप टू कैरी, अगर क्यों, क्योंकि हमने, क्योंकि यहाँ पे कैरी फ्लैग की जो वैल्यूज है वो जस्ट रेसिप्रोकेट हो जाती है। ठीक है, कैरी फ्लैग की वैल्यू रेसिप्रोकेट होते ही आपको फर्स्ट जो नंबर है वो अक्यूमुलेटर में अब स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अक्यूमुलेटर में अब आपको कौन सा नंबर मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर। सिंपल, ये हल्का सा डिफरेंस है, इस प्रोग्राम को भी रन करवा लेते हैं। ये फाइल मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसमें आपके सारे प्रोग्राम्स हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम। हल्का सा डिफरेंस है, बस जेसी कमांड यूज करनी है यहाँ पे। क्या हमने कॉपी, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ लेना। ओके, असेंबल करो इस कोड को। इसको असेंबल करने के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप देख, यहाँ से आपको विजिबल हो जाएगा, अगर सब स्टेटमेंट्स पे राइट है तो दैट मींस कोई एरर नहीं है। अगर किसी भी स्टेटमेंट पर क्रॉस होता तो एरर होती, हम उसको आइडेंटिफाई करके सही करते। ओके, एरर देखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज असेंबल कर दिया। अब फाइनली आप अपने कोड इन मेमोरी लोकेशंस पे नंबर्स प्रोवाइड कर दो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम 4 नंबर्स को ले लेते हैं ऑन टोटल। तो फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है, जितने टोटल नंबर ऑफ आप नंबर्स पास करने वाले हो ऑन कंपेरिजन। अब आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करनी है। तो ये प्रोग्राम है स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे पहला नंबर दे दिया 5, उसके बाद हमने नंबर पास कर दिया 4, फिर हमने नंबर पास कर दिया 6। ठीक है, एंड देन वी हैव पास, हम नंबर पास कर देते हैं 7, कुछ भी नंबर पास करो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 नंबर पास करने थे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे, 4 नंबर पास करे, 5 6 5 4 6 and 7। ठीक है, आपको एज एन आउटपुट क्या मिलना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज नंबर 4। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फिफ्थ C050 पे आपको नंबर मिल गया, C050 पे आपको नंबर मिल गया आपका नंबर 04। अंडरस्टूड? तो ये कमांड, ये प्रोग्राम हो गया स्मॉलेस्ट नंबर का, और इससे पहले हमने रन करा दिया लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम। ओके, तो यस, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है।